न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जी यमुना स्ट्रीट घूमने और देखते हैं हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है। तो बने रहो हमारे ब्लॉग में। मेरे साथ मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, ज्योति है, अमृतु है, एक बेबी भी है शिवाली का, रवीना है और नेहनी जा रही है। तो बने रहो हमारे ब्लॉग में गाइस। तो देखो मैंने न्यू ड्रेस ली है मीशो से और ये रवीना ने बोले ज्योति ने जो टॉप पहना है दिखाई, इधर कहाँ चली आगे, और रवीना ने भी ये टी शर्ट पहनी और ज्योति ने टॉप पहना, ये मीशो से लिया है। तो आप मीशो से परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही मतलब सस्ते प्राइस में। और ये मैंने पूरा जो लुकअप देख सकते हैं आप, पूरा मैंने ये ड्रेस जो है मीशो से लिया है और ये बैग मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया है। तो अभी हम चले हैं, हाँ, और कैब भी मैंने विशाल से ही ली है, विशाल मेगा मार्ट से। तो अभी हम जा रहे हैं, चलते हैं धीरे धीरे गाइस। तो आप मतलब मीशो से जो है और चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस में और कम दाम में मिल जाएगी आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं तो मीशो से ही लेती हूँ मैक्सिमम सामान अपना। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप भी मीशो से सामान वगैरह लें, कुछ भी ख़रीदना हो। तो अभी हमें कितना टाइम कितना हो रही ना, 11:49 हो चुके हैं अभी। तो अभी हम जो है अपने रूम से निकले हैं, आधे रास्ते में पहुँचे हैं। तो पता नहीं हम कब पहुँचेंगे जी, हम मोनेस्ट्री पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, ये तो हमें चल के ही लगेगा पता। तो आपको भी घुमाएंगे हम आज जी या मोनेस्ट्री। तो बने रहो हमारे ब्लॉग में गाइस। तो अभी यहाँ पर हम बस का वेट कर रहे हैं और बस आने वाली होगी क्योंकि धर्मशाला के लिए मैक्सिम बसें चलती रहती हैं। तो देखो अमृतु मेरे साथ अभी, और अभी हम बस से उतर गए। मैं कई दिन बाद बैठी ना बस, मेरे जीते से लग रहा, हाँ उतर गए हम। देखो पीछे ऐसा है, दो लिंक है यहाँ से, एक धर्मशाला को गया रोड है, ये दूसरे बारह रोड जो जाता है मोनेस्ट्री को जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की साइड, पैदल पैदल जाएंगे। पता नहीं यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है कि इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमें अब चल कर ही लगेगा पता। तो बताते हैं आपको, हाँ यहाँ की लोकेशन क्या होता है। दीदी को बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, दीदी थक जाएंगे बेचारी। हाँ अच्छा, तू नहीं थकेगी, मैं थकती हूँ, मैं भी नहीं थकती हूँ, मैं भी नहीं थकती। हाँ तो मेरे को ट्रैकिंग करना वैसे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए रवीना की फ्रेंड्स है, ये दो बेबियाँ बेबियाँ ही हैं शायद, अगली वाली तो बेबी है ना, इसका पता नहीं, ये भी बेबी है, पता नहीं नाम क्या है, नाम क्या है, प्रीतमा नाम इसका, और इसका नाम उर्वशी, उर्वशी, और ये साथ में शिवाली का चली है, फ्रेंड बना रही है इसको अपना, ये शिवाली का गाइस। तो देखिए सामने पता नहीं कौन सा गांव है ये, कितना अच्छा लग रहा है ना, व्यू बड़ा सही दिख रहा है यहाँ से, देखिए अल्टीमेटी, पता नहीं कौन कौन से गाँव है उस साइड, ये तो हमें पता नहीं है, अभी चलते हैं। तो गाइस सामने दिख रही है वाइट वाइट जो दिख रही है आपको, उधर है मोनेस्ट्री गाइस। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ आज, मैं और अमृत तो ऐसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ आज, मस्त लग रहे हैं ना, अल्टीमेट ही लग रहे हैं हम, तो हम हैं भी क्यूट वैसे भी। आजा आगे जैसे गाइस। तो उस साइड जो है हिमानी चामुंडा भी है, किसी दिन जाएंगे हम, ट्रैक बनाएंगे हिमानी चामुंडा का। और देखो कितना नाइस व्यू दिख रहा है यहाँ से अल्टीमेट वाला, तो हम ज़रूर प्लान करेंगे एक दिन कि हम जाएं इधर, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। पानी चाहिए तो बोतल लानी थी ना अपनी, पानी पिलाओ, पूरे आ रहे हैं। जंगल वाला रास्ता है, अब हम जंगल वाले रास्ते से हैं, रोड भी था लेकिन जो ये जो रास्ता है शॉर्टकट रास्ता है, और ऊपर से रोड रोड से थोड़ा लॉन्ग था इसलिए हम शॉर्टकट रास्ते से आए हैं। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे इस तार वाले पॉइंट से, चल शिवाली का चढ़ आराम से, चढ़ आराम से, गिरना मत। अरे पीछे से सभी, ये देखो ब्लॉग चल रहा है इधर, हाँ ये भी ब्लॉगर रवीना। तो गाइस ये देखो यहाँ का व्यू अल्टीमेट, देखिए गाइस तो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, लोगों ने सामने शायद धान लगाए, ये
देखो बहुत ही क्या बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो हमारे आगे साथी गण जाते हुए रास्ता कुछ ऐसा है, देखो आप चल आगे। तुम छोड़ी बच्ची हो क्या? हाँ गाइस मैं गिर गई थी अभी, बच गई बाल बाल एकदम से। रास्ता भी बहुत बेकार है, एक तो देखो यहाँ पर पेड़ गिरा है, ये देखो गाइस। तो ये लोग हमें पता नहीं किस रास्ते से ले आए, देखो मेरे जूते बेचारे खराब हो जाएंगे और मेरे कपड़े भी। रास्ता कुछ इतना खराब है, देखो बोला बरसात में कितना जंगली जैसा हो गया है। हाँ इधर सांप सुम भी हो सकते हैं यहाँ पर। चांद वाली गाइस तो देखिए सामने पहुंच गए हम, रास्ता कुछ ऐसा है देखो। वो देखो सामने है मोनेस्ट्री स्टार्ट जो है। ये देखिए गाइस मेरी जोक फंस गई है इधर जूते में। ओ बस गाइस तो देखिए कितना नाइस प्लेस है और इतना शांत है इधर। जोके होती है इधर? हाँ बहुत जोके होती है, मेरे को तो फंस गई थी। गाइस तो देखिए ये चप्पली खोल के चली गई है जोक के डर के कारण। ये देखो जोके फंसी है इधर, चप्पली ना ये देखो चप्पली का जल्दी। गाइस तो जोके जोके सबको फंस गई है, बार बारी 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 से फंस रही है सबको। इसके अंदर फंसी मेरी तो निकाल ये, मेरी तो चिमकानी डरती नहीं है ये एक जरा भी। देखो बोला इसको हाथों में ले रही है जोक को, खतरों के खिलाड़ी। चलो इस देखो इसकी भी फंस गई है इधर। ये देखो तो निकाल मेरी जल्दी, ये वाली फंस गई इधर। अरे जड़ चला है तुते, बस मामू हम घूम रहे हैं इधर, क्या बोलते हैं जी मोनेस्ट्री। जड़ चला बड़ी बड़ी पहले चला गाइस। तो देखिए ये वॉशरूम है और ये जो है स्टार्ट है मोनेस्ट्री। यहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से रास्ता है, हम जहाँ कहीं से भी आ गए हैं। तो बने रहो आप हमारे ब्लॉग में, तब तक हम अपनी जोके वगैरह देख लेते हैं और निकाल लेते हैं। मैं इनके हाथ से नहीं खाती नहीं है। सब अपनी जोके निकालते हुए यहाँ गुरुद्वारा है नीचे की साइड और ये ऊपर मोनेस्ट्री है। गाइस तो देखिए मोनेस्ट्री स्टार्ट है, आगे से बताते हैं आपको जो एंट्री होगी आगे से होगी हमारी। गाइस तो यहाँ से करेंगे हम एंट्री अंदर जाने के लिए। तो इन्होंने इधर लिखा है वाले UR वाले अंडर CCTV कैमरा। तो चलते हैं अभी, पता नहीं अंदर अलाउड है या नहीं है, तो लग जाएगा अंदर जाके पता। गाइस तो देखिए बहुत ही नाइस व्यू है और नाइस प्लेस, ये देखो गाइस तो बहुत ही क्या बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। देखो बहुत ही मस्त लग रही है, ये देखो ये जो है शायद हॉस्टल टाइप ही है, मतलब इधर रहते होने बिल्डिंग्स है। देखो हाँ हॉस्टल होना है ये शायद, बॉयज़ का या गर्ल्स का जिसका भी है, ये पूरा हॉस्टल ही है शायद। तो गाइस ये देखो देखो कितनी प्यारी मूर्ति है गाइस। तो देखिए किसने बोला, ओए धीरे बोल दीदी। तो ये वाली जो जगह है सबसे नाइस है, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी काली लग गई तुझे पीछे, तो मैं काली ये तक करूं फिल्टर तो लाइन। चलो
वाओ देखो कितने प्यारे फूल हैं। मोनू दीदी होती तो उन्हें तो बहुत अच्छे लगने थे। ये देखिए वाओ कितना नाइस है और कितना मस्त लग रहा है। तो ये है जिया मोनेस्ट्री पूरी देखो। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी जो चित्रकारी हुई है बहुत ही अच्छी हुई है देखो। तो चारों तरफ जो है सेम चित्रकारी हुई है ये देखो। तो ये पेड़ पता नहीं किस चीज का है, मेरे को भी नहीं है इतना आइडिया। बरगद का पेड़ है आई थिंक शायद। गाइस तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, किस चीज़ का स्तंभ है ये पता नहीं मेरे को। आपको पता होना तो कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है। गाइस तो दिखाते हैं आपको अंदर। इधर लिख है प्लीज़ कीप साइलेंट, लेकिन हम फिर भी देर जोर जोर से बोल देंगे। देखो बहुत ही नाइस लग रहा है। पता नहीं ये तो लामबाज को ही पता होगा, हमें नहीं पता। मैं नहीं उड़ा है। मेरे साथ प्रीतु है। हाय करते। हाय गाइस कैसे हो। गाइस कैसे हो, तो मुझे जानती हूँ मैं कौन हूँ। और अभी हम जा रहे हैं वापस। तो एक अंकल थे इधर, मतलब जो लामबाई थे, और उनने भगा दिया हमें, दो बार तीन बार भगा दिया। बट हम तब भी नहीं निकल रहे थे, अब तीसरी बार निकलना ही पड़ा हमें। तो हम निकल गए अभी गेट से बाहर। अब हम घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ जा रहे हैं अभी, और थक गए बहुत ज़्यादा अभी। तो पसीने से देखिए हमारे मुँह कैसे हो गए हैं लाल लाल। और बने रहो हमारे ब्लॉग में। और एक और सदस्य जुड़ी हमारे साथ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? निवेदिका। निवेदिका तो गाइस बने रहो हमारे ब्लॉग में। गाइस तो देखिए पहले मतलब हम नीचे वाले रास्ते से आए, अब रोड से आए हैं। देखिए व्यू बहुत ही मस्त है इधर, बहुत ही प्लेन प्लेन जगह है और बहुत ही नाइस लग रहा है, देख सकते हैं आप। हेलो तो ये सब बुलेट ही है इधर। और बू और मोन दीदी चले गए, दुकान गए हैं वो, और सोनू दीदी वॉशरूम गए हैं। सोनू दीदी पिछले वाले मतलब पिछले ब्लॉग में नहीं थे क्योंकि वो चले गए थे मतलब दूसरी वाली बुआ के घर। तो बताती मैं आपको सोनू दी भी। क्या? तो ये है सोनू दी। गाइस तो अभी हम जो हैं वापस आ चुके हैं, रवीना वगैरह जो हैं अपने रूम चले गए हैं, और मैं अपनी बुआ के घर आई हूँ सलियाना। मैंने पालमपुर से सीधा बस ले ली थी और रवीना वगैरह सुभाष चौक में उतर गए थे। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस जो होंगे ब्लॉग होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो बाय बाय।